नमस्कार, मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज़ में। इछावर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम ललियाखेड़ी निवासी एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि एक माह पूर्व 18 नवंबर को दोपहर 4 बजे के करीब राजेश, मेरी माँ गीताबाई एवं मेरे पिता मेहरबान अपने आम वाले खेत पर बोवनी कर रहे थे। तभी ग्राम भवरा तहसील आष्टा निवासी माखन परमार, चंद्र परमार, मान सिंह एवं मान सिंह का बड़ा पुत्र, जिसका मैं नाम नहीं जानता, आए और गंदी गंदी गालियां देने लगे। हमने गालियां देने से मना किया तो माखन परमार ने मेरे भाई राजेश को सर में मारा, जिससे खून निकलने लगा। और तभी चंद्र ने डंडे से मेरी माँ गीताबाई को सर में मारा, जिससे खून आने लगा। तभी बीच बचाव करने मेरे पिता मेहरबान गए तो मान सिंह, माखन एवं माखन के पुत्र ने मेरे पिता मेहरबान के साथ लात घूंसों से मारपीट की, जिससे मेरे पिता को पेट में चोट आई थी। तभी मैं तथा मेरे गांव का अनार सिंह कोरकू बीच बचाव करने गए तो चारों वहां से चले गए और जाते जाते भी गंदी गालियां दे रहे थे। साथ ही कह रहे थे कि अब बोवनी करने आए तो जान से खत्म कर देंगे। राजेश, मेरी माँ गीताबाई एवं मेरे पिता मेहरबान सिंह के साथ इछावर थाने रिपोर्ट लिखवाने आए। जैसा कि परिजनों ने बताया कि जमीन विवाद चल रहा था, भवरा का किसान से विवाद हो गया था, जिसमें मृतक को गंभीर चोट आई थी, जिसकी बीती रात मौत हो गई। वहीं परिजनों की शिकायत पर पहले भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं इछावर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। इछावर से संवाददाता जलील खान की रिपोर्ट। परसराम, ये आपके कौन थे? पिताजी। अच्छा, फिर क्या मामला हो गया था पूरा? जो मेरे पिताजी और मम्मी और एक भाई मेरे बोने गए थे तो भौरा के परमारोन आए तो उनने मारपीट चालू कर दी। ये 4 बजे का मामला है और 18 तारीख का मामला जमीन विवाद के कारण। विवाद के कारण ये ऐसा हुआ। 50-60 साल से वो हमारे पास थी और ये देवीन पटवारी गया है और वो आर आई जी, उनका तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, ये लोग गए थे, इनने आधी जमीन उनके हमारे इधर निकाल दी। इस वजह उनने मारपीट कर दी। भूरा के परमार है, उनका पिताजी का नाम भूरा है, चंदर और मान सिंह और माखन, ये तीनों भाई। बड़ा लड़का, ये माखन का बड़ा लड़का है, चार लोग, एक उसका था माखन का और एक चंदर का। अच्छा, इछावर थाने में इसकी रिपोर्ट कब दर्ज कराई थी आपने? ये अपने 18 तारीख को रोज करवाए थे हमने, 4-5 बजे के बाद, 6 बजे, 5-6 बजे। फिर इछावर हॉस्पिटल में कितने रोज रही आप? 2 रोज रखे और उसके बाद में सीहोर रिपेयरिंग कर दिया। अच्छा, सीहोर के बाद आप वहाँ से? हमारे पिताजी को फायदा नहीं मिला तो हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने पिताजी को घर लिया है। अच्छा, जो कि आज शाम को 10:30 बजे उनके देहांत हो गए। हम लालिया खेड़ी के जो झगड़ा हुआ था जमीन के चक्कर में, उसमें क्या है, तहसीलदार या पटवारी ने किसी ने मिली भगत से या कोई गलती के कारण, इनकी जमीन गलत नापने के कारण इनका विवाद हुआ था भौरा के परमार लोगों से। उसके बाद में उसकी मारपीट के कारण, मौत होने के कारण यहाँ लाए थे हम, इछावर थाना लेके आए, वहाँ से उन्हें भेज दिया मुर्दा घर। मुर्दा घर में भेजने के पश्चात टीडी सिंह जो थाना इंचार्ज हैं जी, थाना एएसआई जो बीट इंचार्ज हैं, वे ये बोल रहे हैं कि बोले रजाई इनको नहीं दी, इस कारण इनकी मृत्यु हुई है बोले। तो मैंने कहा अब ये इनसे पूछा जाए, ये परिवारजन हैं, उसके भाई, उसकी औलाद, माता बाप बेटे, गांव के लोगों की उसके मारने के कारण मृत्यु हुई है कि ठंड के कारण हुई है, अब ये डॉक्टर लोग जाने, अपन नहीं जाने इस चीज़ को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामू पंडित, गांव सिंगापुरा गोस्वामी, हमारा कांकड़ पड़ोसी है ये लोग जी। अभी लालियाखेड़े में कोई झगड़ा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, क्या है प्रबंधन? झगड़ा तो आज मर कायम हुआ है, मृतक मेहरबान सिंह की मृत्यु हुई कल रात में, तो उसके परिजनों ने मर कायम किया है, उस पे से मर कायम करके मृतक के शव का पीएम कराया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।